गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्केप अनवाइंड योरसेल्फ। तो ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट और आज हम राजा भातखावा छोड़कर अपने नई डेस्टिनेशन लेपचाखा जाएंगे। और लेपचाखा जाने के लिए हम लोगों ने पहले से ही एक ऑटो बुक करके रखा था। तो पहले हम ऑटो करके सीधे संतालाबाड़ी से एकदम लेपचाखा की तरफ जाएंगे। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज का सफ़र। होमस्टे से संतालाबाड़ी मार्केट तक पहुंचने में लगभग 25 से 30 मिनट लगता है और ऑटो पहले से ही बुक था तो इजीली हम लोग वहां से निकल पड़े। संतालाबाड़ी पहुंच के ही पहले लेपचाखा जाने के लिए परमिट गाइड वगैरह ठीक करके थोड़ा आसपास मार्केट भी घूम लिए। तो हम लोग संतालाबाड़ी पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं संतालाबाड़ी बाज़ार या छोटी सी बाज़ार है। लोकल लोग यहाँ पर मार्केट करने आते हैं, सब्ज़ी बाज़ार, मछली बाज़ार सब एक साथ ही है। लेपचाखा पहुंचने के लिए आपको पहले जीरो पॉइंट पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैदल आगे जाना पड़ेगा। तो मार्केट से जीरो पॉइंट जाने के लिए आपको मारुति वैन अवेलेबल मिलता है, इसके लिए आपको 500 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है। अगर कोई चाहे पैदल भी ऊपर जीरो पॉइंट तक जा सकते हैं। तो अभी हम जीरो पॉइंट पहुँच चुके हैं और यहाँ से शुरू होता है ट्रेक लेपचाखा तक। अभी हम लोग यहाँ पे व्यू पॉइंट में है। अभी यहाँ से आपका तीन नदी का देखने के लिए मिलेगा। ये जो दिख रहा है नीचे, ये आपका बक्सा झरना, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे जो दिख रहा है वो है बाला नदी। आप जब जॉइंटी जाएगा उस टाइम क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वो जो दिख रहा है वो है जॉइंटी नदी। उसके बाद यहाँ पे जितना जंगल दिख रहा है, ये टोटल एरिया था वैसे आपका बक्सा टाइगर रिजर्व का अंडर में पड़ता है। बक्सा टाइगर रिजर्व का अंडर में एरिया टाइप पड़ता है आपका 760 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, ये एरिया टाइप। उसके बाद हम लोग जो रास्ते से आया, ये रास्ता जब ब्रिटिश ने कैप्चर किया था उस टाइम, लेकिन ये टोटली रास्ता नहीं था आपका। ये जो बक्सा झरना दिख रहा है यहाँ से थोड़ा साइड से एक रास्ता था, लेकिन आपका यहाँ पे 1993 में बहुत बड़ा सा फ्लड हुआ था। वो फ्लड होने के कारण जो पुराना रास्ता, उसके बाद बक्सा फोर्ट का आपका 50% मतलब एरिया लैंडस्लाइड होकर चला गया। उसके बाद ये बनाया गया रास्ता। बक्सा हिल फॉरेस्ट के अंदर से होते हुए लेपचाखा पहुंचने के लिए आपको 11 से 13 छोटे छोटे पहाड़ी गांव से गुजरना पड़ेगा। बीच बीच में कोई चाहे तो रुक के रेस्ट भी ले सकते हैं और उसके लिए भी जगह भी किया गया है।
ट्रेक के बीच में एक छोटा सा हेरिटेज म्यूजियम भी हम लोग घूम लिए, जहाँ पर बॉक्सा फोर्ट के हिस्ट्री रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगा। फाइनली हम लोग बॉक्सा फोर्ट के सामने आ पहुंचे, बट अनफॉर्चुनेटली बॉक्सा फोर्ट में मेंटेनेंस का काम चलने की वजह से बंद था, तो बाहर से ही जस्ट देखना पड़ा हम लोगों को। अभी हम लोग यहाँ पे बॉक्सा फोर्ट में आया हुआ है आपका आलीपुर से 34 किलोमीटर ऊपर में, आपका 2844 ऊपर आपका फीट ऊपर में सी लेवल से ऊपर में। अभी ये जो एरिया दिखा है ये पहले हम लोग का इंडिया के अंडर में नहीं था, आपका ये जो भूटान का अंडर में था, जब भूटान का अंडर में था तब यहाँ से आपका सिल्क रूट का रास्ता था भूटान जाने का, भूटान से तिब्बत जाने का। और यहाँ पर आने के टाइम पर बहुत सारे गांव देखने को मिली है और सुंदर छोटा छोटा गांव है, यहाँ की नज़ारा भी बहुत सुंदर है। ऑलमोस्ट 13 गांव है यहाँ पर। तो हम लोग पिछले 1.5 घंटे से ऊपर ट्रेक करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ये खटालिन बस्ती है और यहाँ पर हम लोग थोड़ा बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद फिर से ऊपर जाएंगे। ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5 किलोमीटर है ऊपर तक, दूर पहाड़ी के सामने वाली जो पहाड़ है वहाँ पर हमारे होमस्टे है लेपचखा, वहीं तक जाएंगे। अल्टीमेटली लगभग 2 घंटा ट्रेक के बाद हम लोग लेपचखा विलेज आ पहुँचे, जहाँ पे आपको इंडिया में होते हुए भी भूटान जैसे एटमॉस्फेयर फील होगा। अभी हम लोग लेपचखा पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग अपने होम स्टे पर हैं। यहाँ पर पहुंचने में तकरीबन 2 and 15 hours लग गया है, काफ़ी अप हिल था लास्ट पोर्शन। तो यहाँ के होम स्टे बहुत ही अच्छा है, पूरा वुडन फिनिश में है और यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टे और भी आसपास है। होमस्टे पहुँच के फ्रेश होके लंच के लिए पहुँचे, जहाँ लंच में हम लोगों को राइस, दाल, एक सब्जी और अंडा करी दिया गया था। आफ्टर लंच 2 घंटा रेस्ट लेके शाम के टाइम थोड़ा हम लोग विलेज घूमने लगे। पास में ही एक छोटा सा मोनेस्ट्री भी है, जहाँ पर हर दिन शाम के टाइम पे पूजा और अंधेरे होने पर बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। We'll be right back.
सो बॉक्सा जयंती ट्रिप में अगर कोई आए तो अपने ट्रैवल लिस्ट में वन डे के लिए लेपचा का घूमना जरूर रखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो लेपचका का सफर हम लोगों का बस यही तक था। ये छोटा सा सफर हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है। ब्रेकफास्ट में उन लोगों ने हम लोगों को नूडल्स दिया, तो हम लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके सीधे यहाँ से नीचे चले जाएंगे। तकरीबन जाने में 2 घंटा तो लग ही जाएगा। और आज दोपहर को हम लोगों का ट्रेन है न्यू कोचबिहार स्टेशन से, तो हम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएंगे। और आपने तो हमारा वीडियो देखा ही है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि जब हम लोग हमारे चैनल पे एक नई वीडियो डालें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एस्केप अनवाइंड योरसेल्फ।